मंडलायुक्त जयंत नालिका ने गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को चंपा देवी पार्क, प्रेक्षागृह एवं महंत दिग्विजयनाथ पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन के लिए संबंधित विभाग सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लें तथा पार्किंग स्थल एवं सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त जयंत नालिका ने प्रेक्षागृह के निरीक्षण के दौरान कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ ताल के आसपास के स्थल पर जलकुंभी आदि की सफाई कराई जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, जीडीए वीसी अनुज सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा सहित जल निगम एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ये तो मुझे कहने की आवश्यकता पड़ी नहीं थी। आप देख लीजिए इनके सिविल से आपका क्या काम जुड़ा हुआ है, आपस में करके करिए। अब मुझे ये मत बताइए लखनऊ में जो चल चुका है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का एग्जेंशन मिला है, उसके अलावा आपको सब कुछ दूसरा लैंडस्केपिंग है और जिसकी आप उतना नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए कि गमले में लगा दीजिएगा। लाइटिंग इधर पार्किंग में भी रहेगी, लाइटिंग ये तो इधर पीछे वाला वो बाहर लाइटिंग थोड़ा नहीं, आपने तो आपके पर्सन में तो होगी ना, पर्सन में क्या अलग लगा है ये नहीं इसी स्पेच का यार कुछ ऐसा काम कोई चलता भले आपके मतलब आपको बेसिकली रामगढ़ साल का जो मेन रास्ता है ना वहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी, मुझे लगता है लाइट है नहीं मतलब उसको तो ये देख लीजिए लाइटिंग जरा बहुत रहता है इधर मतलब ये पैसा तो नहीं होगा मतलब आप ये देखिए सीएम हमारे साथ ना चल पा रहे देना पड़ेगा। हाँ फोटो ठीक 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 अरे ठीक है ठीक 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 सेमिनार आरटीओ साहब सेमिनार इसमें होना एरिया को सर यूनिवर्सिटी से इधर करने की गैलेक्सी में करा लेते कोई आपको इतने ही रहेंगे सर 150 फीट तो लग ही जाएगी उसमें नहीं होगा तो एनएक्सी तो है एनएक्सी तो है कल वो बड़ा ऑडी हमारा कनेक्टिविटी चाहिए लेकिन आप कल यूट्यूब फेसबुक लाइन यहाँ पे भी कनेक्टिविटी चाहिए एयरटेल का ले रखा है सर 300 Mbps पहले ही तो ठीक है ये दोनों का देख लीजिए आप मॉडल नोट कर लीजिए और सेमिनार के लिए एक मॉडल ऑफिसर कर लीजिए जो चारों लोगों से समन्वय स्थापित करता है वैसे सेमिनार वो इंडिविजुअल सेमिनार करते हैं उसमें ओवरऑल सेमिनार Thank you.
चार मिनट का। यहाँ पर जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी गैलरी है, बाकी सारे स्टॉल ये डिफॉल्ट है ठीक है, तो एक लाइन से कर दीजिए, बीच की जगह ब्लॉक बंद कर दीजिए और एक बड़ा सा वो लगा हो जिससे भी होता है मेला सिल मेला जो है उसको देखना चाहिए कि कहाँ बड़ा तो टप्पल शुरू हो गया गोरखपुर महोत्सव 12-13 जनवरी को किया जाना है, उसी के संबंध में हम लोग देख रहे हैं। इस बार हम लोगों ने जो परिक्षेत्र है महोत्सव का उसको बदलने का प्रयास किया है और सभी के साथ मिलकर प्रयास है कि ये जो रामगढ़ ताल एरिया है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश रहे हैं कि इसको शोकेस किया जाना चाहिए, हम लोग इसको परिक्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के चीज़ों को जनता के सामने पेश करेंगे। चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कोविड का संक्रमण है और उससे बचाव करते हुए सारे प्रोग्राम करना है और स्थानीय कलाकारों को मंच देना है। आशा करते हैं आप सभी के सहयोग से हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर पाएंगे। सन है उनकी बात हुई है लेकिन उनका प्रोग्राम इस बार हम लोग नहीं कराएंगे। इस बार हमारा पूरा फोकस जो है सेमिनार पर स्थानीय कलाकारों को मंच देने पर होगा और थोड़ा सा हम लोग भीड़ से इस बार बचना चाहेंगे। प्रोग्रामों को ऐसे हम कैटेगराइज करेंगे कि एक साथ बहुत भीड़ ना आए और सभी लोग सभी चीज़ों का आनंद ले पाएँ और ज्ञानवर्धन भी हो।